अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मज़ेदार सी अपने स्टाइल में मेथी आलू बताऊंगी। उसमें मैं मेथी बहुत कम डालूंगी और आलू ज़्यादा रखूंगी। ये देखिए, हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं और ये मेथी है फ्रोज़न जो स्लाइसेस में मिलती है, उसके मैंने दो पीस लिए हैं। ये है टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है सब्जी मसाला, नमक, जीरा, पिसा हुआ धनिया और एक तेज़पात का पत्ता, ये मैं ज़रूर डालती हूँ खुशबू के लिए। और ये एक अदद प्याज जिसको मैं अभी काटूंगी। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छा हो रहा है मौसम, बाहर का बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, ज़बरदस्त मौसम है। हमारे यहाँ तो इस मौसम में बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद इस मौसम में घर में रहते हैं बहुत ज़्यादा धूप में। चलिए अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो अपने एक एक दरमियानी प्याज काटी है। इसको हमने तकरीबन लाइट ब्राउन करना है, उसके बाद फिर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। ये हमारी अब प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें अपना मसाला डालेंगे। पहले हम इसमें टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा हुआ, देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसमें अपने ये मसाले जो हमने बताए थे आपको वो डालेंगे। अब इसमें मैं ये मेथी शामिल कर दूंगी जो मैंने रखी थी फ्रोज़न। इसमें अब हमने ये मेथी डाल दी है, अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे, फिर थोड़ी देर में देखते हैं इसको। चलिए अब मैं चेक करती हूँ, इंशाल्लाह हमारी मेथी जो है खुल चुकी होगी। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, मेथी हमारी पूरी खुल चुकी है। पूरी मेथी खुल चुकी है। अब इसमें मैंने ये जो आलू काटे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं, थोड़े से इसके पीस आपने मोटे रखने, क्योंकि मैंने तो कुकर में चढ़ाने हैं तो इसलिए थोड़े बारीक रखे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कुकर में पकाएं या चूल्हे पर पकाएं या जिसमें भी, तो अपने हिसाब से आप फिर उसका जो है ना काट के रखें मेथी आलू को। हमारे यहाँ तो फ्रोज़न मिल जाती मेथी, मेथी को मैंने सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए इसमें डाला है, थोड़ा सा मेथी का जायका आ जाए, बहुत यम्मी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, क्योंकि बाद में फिर भुनाई करूंगी इसकी। अब इसका मैं वेट लगा दूंगी तकरीबन 12 मिनट पे, इसका 12 मिनट तक का वेट लगेगा इसका। ये देखिए 12 मिनट में हमारी मेथी आलू तैयार हो जाएगा। जैसे ये तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यह हमारा कुकर बंद हो गया है, अब दोबारा से मैं इसको ऑन अब मैं इसको खोलती हूँ, तो फिर देखते हैं कि मेथी हमारी कहाँ तक पहुँची है। ये देखें मज़ेदार मेथी आलू तैयार है। अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी और इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अब इसको आप जो है अपने स्टाइल में जिसके साथ भी खाना चाहें, पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, बहुत मज़ेदार आपको भी लगेगी, उम्मीद है पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।